से कहता हूं वीरवान सिंह भाई मंडल भाई बंधु सभी प्रीत करो तो मर्द से करो, स्त्री स्त्री से, पुरुष पुरुष से। अरे प्रीत करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीत करे ना। अरे औरती अपनी नहीं होती विनयारी, मौत मरे ना। देखो भाई पांच जगह का विश्वास मत करो, पहले भी बता आज भी बता रहा हूं तुम्हें। गंगा को तैर करके पार करना, काले सर्प का पकड़ना, दुश्मन से युद्ध करने जाना, शेर का शिकार करना, पराई स्त्री से मिलने जाना, जिंदा लौट भी सकते हैं और नहीं भी लौट सकते। छोटी पूरी कामिनी सब ही विष की बेल, छोटी होए बड़ी होए मोटी होए पतली होए गोरी होए काली होए, पॉइजन है, पॉइजन जहर है, मर जाओगे। अरे दुश्मन मारे काम से ये मारे हंस के, जिन्होंने परनारी से प्रीत की है उनकी क्या हालत हुई है इसे भी आप सुनो, चाहे कोई भी क्यों न हो। भाइयों मेरी बात समझ में आ रही है सबके? आ रही है तो हाथ ऊपर कर दे। ठीक, अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे प्रीति करी थी समझ I'm
सोने की लंगत खाक करी डारी जाने कुल को नास करायो। अरे सोने की लंगत खाक करी डारी जाने कुल को नास करायो। प्रीत करी थी राजा न उसने इंद्राणी से नेह लगायो। इसलिए भैया मेरा कहना है, अपनी पत्नी चाहे कैसी क्यों न हो, चाहे कुरूप हो चाहे काली हो, अपनी पत्नी से प्यार करो भाई। जो नीच प्रकृति के पुरुष होते, नीच प्रकृति के जिनकी आदत गंदी होती है, या स्त्रियां होती हैं गंदी आदत की या पुरुष होते, उन्हें चाहे मैं तुम 1000 बार समझाओ चाहे 1,00,000 बार समझाओ, वो अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। क्यों परिचय करें? जैसे प्याज को ले लो, प्याज की 20 गांठें ले लो, काट के अमृत में धोओ, चंदन के पेड़ के नीचे शीतल हवा में धूप में खूब सुखाओ, लेकिन जब काटोगे तो गंध प्याज की आएगी, वो अपनी गंध नहीं छोड़ेगी। इसी प्रकार जो नीच प्रकृति के पुरुष या स्त्री होते हैं वो अपनी आदत नहीं छोड़ते। सतिए फिर चंदन वृक्ष की छाए सुखा।